ड्राइविंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग के कैमरास की तंसीब, कैमरों की तंसीब के बाद वार्डन्स ने करप्शन का नया रास्ता निकाल लिया है। क्या रास्ता निकाला है, अली साही से जानेंगे। जी अली साही। बिल्कुल, टेस्टिंग सेंटर्स पर करप्शन रोकने के लिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है और लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तमाम अमल कैमरों के साथ मॉनिटर किया जाता है। लेकिन वहाँ पे तैनात अमले की जब रिश्वत बंद हुई तो अब उन्होंने नया तरीका निकाल लिया है। कोई भी उम्मीदवार जब टेस्ट देने के लिए जाता है या लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है तो उससे मखसूस डॉक्टर्स या लैब का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर अदरवाइज़ उनको इंटरटेन ही नहीं किया जाता, ना ही उनका जो सिस्टम में तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह की शिकायत जो हैं वो एडिशनल आईजी ट्रैफिक को मौसूल हुई हैं। उसकी जानब से बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया गया है कि किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा गया कि किसी मखसूस डॉक्टर या लैब से जो मेडिकल करवाया जाए और वही पेश किया जाए। किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर या लैब से मेडिकल करवा के रिपोर्ट जो है वो को ऐप के साथ मुंसलिक की जा सकती है। तो इसी हवाले से मरासला जारी किया गया है, कहिंदा इस तरह की प्रैक्टिस नज़र ना आए, चूँकि बहुत सारी शिकायात हैं कि वार्डन जो हैं वो मखसूस डॉक्टर्स या लैब से अपना हिस्सा लेते हैं और जानबूझकर उम्मीदवारान को उस लैब या डॉक्टर्स के पास मेडिकल टेस्ट के लिए भिजवाते हैं। तो एडिशनल आई जी की जानब से तमाम CTOs को भी मरासला जारी कर दिया गया है और तमाम ड्राइविंग सेंटर्स पर भी ये मरासला। शुक्रिया अली साही।